हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर वेरी न्यू सुपर कूल वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अ यूनिट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 15 पॉलीमर्स इन जस्ट वन शॉट ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा जस्ट 40 टू 45 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर कवर कर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट यहां पर देखिए पॉलीमर्स के बारे में बताया गया है कि पॉलीमर्स क्या होता है मतलब क्या क्या चीजें बनी हुई हैं तो ये सब आपके काम की चीजें हैं नहीं ठीक है अब आते हैं पॉलीमर्स सबसे पहले चैप्टर पे ही समझते हैं कि होता क्या है पॉली मीन्स होता है मेनी और मर्स मीन होता है क्या मोनोमर्स मतलब बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट मिल करके पॉलीमर बनाते हैं ओके पॉलीमर सब समझ गए अब देखिए आगे यहां पर पॉलीमर कॉइन कहाँ से किया गया है दो ग्रीक वर्ड से जिसमें कहा गया है क्या पॉली पॉलीमी मेनी और मर मीन यूनिट या पार्ट मोनोमर कहते हैं पॉलीमर्स बना होता है किससे मोनोमर से छोटे छोटे पार्ट से जैसे एक बड़ा सा बिल्डिंग है वो किससे बना हुआ होता है छोटे छोटे ईंटों से उसी तरह से पॉलीमर्स कैसे बना होता है मोनोमर्स से तो पॉलीमर्स के बारे में आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि पॉलीमर्स आज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास 10 टू द पावर 3 टू 10 टू पावर 7 ए एम यू ओके एटॉमिक मास यूनिट इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं ओके okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जिनके रिपीटिंग यूनिट से पॉलीमर बन पॉलीमर की सॉरी जैसे मोनोमर्स की रिपीटिंग यूनिट से बनता है क्या पॉलीमर्स और मोनोमर्स जैसे ढेर सारे मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीमर का कंस्टिट्यूशन करते हैं तो उस प्रोसेस को जो बनाने में प्रोसेस लगता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या पॉलीमराइजेशन देखिए द तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स मतलब मोनोमर्स से बनेगा क्या पॉलीमर तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम पॉलीमराइजेशन ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पॉलीमर्स को तीन टाइप्स में बांटा गया है ठीक पहला है हमारा नेचुरल पॉलीमर्स दूसरा है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स और तीसरा है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स ठीक तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल पॉलीमर्स तो हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि वो पॉलीमर जो कि नेचर में पाया जाता है तो नेचर में क्या पाया जाता है प्लांट से निकाला गया एनिमल से निकाला गया तो वो होता है क्या नेचुरल पॉलीमर्स एग्जाम्पल उसका आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम्पल्स उनके प्रोटीन्स स्टार्च ठीक इतना याद कर लीजिए बहुत या फिर नेचुरल रबर भी याद कर सकते हैं तो वो पॉलीमर जो कि नेचर से पाया जाता नेचुरल पॉलीमर्स नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक में क्या होता है ना कि नेचुरल पॉलीमर ही रहता है और उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड हम ऐड कर दिया तो बन गया क्या कुछ उसका मतलब कह सकते हैं एडवांस कर दिया उसको तो वो वो हो गया क्या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर तो जैसे देखिए एक नेचुरल uh, पॉलीमर है सेलुलोज हमारा तो ठीक है सेलुलोज को हमने क्या किया सेलुलोज को पहले हमने एसीटेट से मिला दिया ठीक एक हमने बना दिया एसीटेट से तो फिर वो बन गया क्या रेन और अगर सेलुलोज को हम नाइट्रेट से मिला दिया ठीक एनओ से मिला दिया तो फिर वो कुछ और नया कंपाउंड बना दिया ओके okay? ये सब एग्जाम्पल्स है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बस यही होता है नेचुरल पॉलीमर्स में कुछ केमिकल्स के डेरीवेटिव्स आकर के लग जाते हैं ठीक कुछ डेरिवेटिव्स लग जाते जैसे सेलुलोज था नेचुरल पॉलीमर उसमें लग गया एसीटेट और सेलुलोज में लग गया नाइट्रेट तो ये बन गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन यूज तीसरा है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर तो सिंथेटिक पॉलीमर वही होता है जो कि पूरी तरह से मैन मेड होता है ओके okay? तो बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जैसे कि है हमारा प्लास्टिक नाइलॉन सिक्स सिक्स बूना एस ठीक है बूना एन दूसरा होता है ठीक ये सब एग्जाम्पल है कि इसके मैन मेड के तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है जो मैन मेड होते हैं ठीक क्लियर है उसके एग्जाम्पल्स आपको पूछेगा तो आप कह देना प्लास्टिक बूना एस नाइलॉन जितने भी सिंथेटिक है सब कुछ चलिए अब आगे आते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो प्रोसेस जिससे मोनोमर्स मिल करके बनाता है क्या पॉलीमर्स तो वो कितने टाइप्स के होते हैं ठीक तो पहला होता है आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसका दूसरा नाम है क्या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन तो चलिए इसको हम समझते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है उसका भी टाइप्स दिया है ठीक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है देखिए चेन इनिशिएटिंग स्टेप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको सीधा सीधा सा सीधा सीधा सा एक एग्जाम्पल देते हैं इथिन का इथिन का क्या होता है फॉर्मूला सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड ठीक और इसको हम एन टाइम्स लगाएंगे तभी तो जाके बनेगा ये पॉलीमर्स है ना कि मतलब एन टाइम्स इसको लगा रहे हैं कितने भी टाइम क्योंकि ढेर सारे मोनोमर्स की यूनिट मिलकर ही बनाता है पॉलीमर्स तो ये कैसे बनेगा चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स यही होता है कि बीच का जो ये डबल बॉन्ड है जो बीच का ये अनसेड है unsaturated bond है, ये टूट जाएगा ठीक है ये टूट करके क्या बना लेगा बस सी एच टू सी एच टू ठीक और फिर ऐसे ही करके ढेर सारे एटम्स सी एच टू के जुड़ते चले जाएंगे समझे तो ये होता है चेन इनिशिएटिंग मेथड या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से लैंग्वेज पे ठीक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि अल्किन्स जो कि डबल बॉन्ड होते हैं और डाईंस क्या वो अल्किन जैसे कि जिनमें दो को बॉन्ड होंगे ठीक है मतलब दो जगह बार बार बॉन्ड आ गए ठीक जैसे अल्का डाईन्स उसमें दो डबल बॉन्ड दो जगह होंगे ठीक है एक हो जाएगा सी एच टू यहाँ पर ठीक और फिर यहाँ पर भी कुछ होगा ठीक तो फिर वो होता है डाईन मतलब उस एक ही एलिमेंट में दो बार डबल बॉन्ड होंगे तो डेट इज नोन एज डाइ इन दो बार सिचुएशन होगा और उसके डेरीवेटिव को कैटलिस्ट के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं ठीक जैसे कि कैटलिस्ट क्या हो सकता है बेंजोइल पेरोक्साइड एसिटाइल पेरॉक्साइड ब्यूटाइल पेरोक्साइड इसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशन पॉलीमराइजेशन पॉलिमाइजेशन बस यही है कि आप देखो कि बेंजोइल पेरोक्साइड से भी इन्होंने बनाया एक पॉलीमर तो फिर उन्होंने क्या किया कि बीच से तोड़वा दिया बॉन्ड को ठीक है तो फिर ये एक अलग मॉलिक्यूल बन गया है ना और फिर ये कुछ दिया इधर से एक और एग्जांपल है इसका सी सिक्स फाइव प्लस सी एच टू सी एच टू बेंजीन से हम लोग क्या जोड़ दिए इथीन मॉलिक्यूल तो फिर देखिए यहाँ पर क्या था यहाँ पर डबल बॉन्ड का अन सेचुरेशन था यहाँ पर डबल बॉन्ड का अनसेचुरेशन था तो फिर आफ्टर द क्या रिएक्शन यहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड हो गया और फिर यहाँ पर यहाँ पर का देखो अनसेचुरेशन यहाँ पर चला गया तो फिर ये सैचूरेटेड हो गया ठीक है सिंगल बॉन्ड बना लिया और फिर बीच में यहाँ पर एक फ्री रेडिकल दे दिया दैट इज नोन एज दिस फ्री रेडिकल ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चेन इन प्रोपेगेटिंग स्टेप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड था यहाँ पर अनसेचुरेशन था तो फिर ये रिएक्शन में क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया ठीक और कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ गई तो एक और बॉन्ड बना सकता है दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओके okay. अब आते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप मतलब ऐसा होता है ना कि बीच में कुछ रेगुलेटर लग जाते हैं कि कुछ कुछ टाइम के के मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद और मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ेंगे ठीक तो उसमें क्या होता है टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन दीज फ्री रेडिकल्स कैन कम्बाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म पॉलीथीन वन मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ चेन इज शोन अंडर मतलब पॉलीथीन बनाया बहुत सारे तरह तरह के मतलब मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स को मिला करके ठीक दो मोनोमर्स को मिलाया है दोनों एक ही मोनोमर्स हैं जिनको मिला करके क्या हुआ है यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया पॉलीथीन का यहाँ पर एन नंबर है ठीक है क्योंकि एक दो मोनोमर से तो बनता है, नहीं है बहुत सारे मोनोमर्स होने चाहिए तब जा कर के एक पॉलीमर बनता है अब आते हैं हम होमोपोलीमर और कोपोलीमर में तो होमोपोलीमर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो कि हमारा मोनोमर्स है वो बिल्कुल सेम है है ना ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि इसका भी पहला मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर बिल्कुल सेम है तो ये होता है क्या होमोपॉलीमर और दूसरा होता है क्या कोपॉलीमर तो कोपॉलीमर में क्या होता है हमारा कि हमारे मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं ठीक कि जैसे एक होगा ब्यूटाडाइन तो दूसरा आ गया क्या स्टाइरिन ठीक तो ये हो गया क्या कोपोलीमराइजेशन मतलब अलग अलग तरह के मोनोमर मिल करके एक या दो टाइप के बनाते हैं एक पॉलीमर तो वो आता है क्या कोपोलीमर और सेम मोनोमर मिलकर बनाता है होमोपोलीमर तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो ये भी क्या था सॉरी uh, यहाँ पर तो ये देखो ये भी है कोपोलीमर क्या यहाँ पर एक बेंजीन है और एक इथीन है है ना कोपोलीमर बस इतना ही था कि अलग अलग टाइप के मोनोमर्स मिलकर बनाते हैं तो दैट इज नोन एज कोपोलीमर अब आते हैं कुछ एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स पे पहला है क्या पॉलीथीन ठीक पॉलीथीन उनमें आपको पॉलीथीन दो तरह का होता है एक होता है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन ठीक लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाना बहुत ही मुश्किल है कैसे क्योंकि उसका पॉलीमराइजेशन मतलब उसका मोनोमर जुड़ करके जो पॉलीमर बनता है वो बनने के लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए अराउंड हज़ार से दो हज़ार

और फिर इसमें बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका और ये पॉलीमर जो है स्ट्रेट चेन इसका यहाँ दिखा पर दिखाया है कि चेन इस टाइप किसका किस टाइप का होता है ठीक कि जैसे देखो पहला पॉलीमर है इससे निकले रहे इतने सारे ब्रांचेस है ना फिर दूसरे पॉलीमर में है इतने सारे ब्रांचेस तो फिर इसमें जो पैकिंग इफ़िशंसी है वो कम हो जाती है इसकी पैकिंग इफ़िशेंसी कम हो जाती है तो इनसे जो सामान बनते हैं वो बिल्कुल केमिकली इनर्ट होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन इज़ केमिकली इनर्ट एंड टफ़ लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ठीक तो फिर ये आपको कहाँ पे यूज़ होता है इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स मतलब वायर्स में यूज़ होता है क्योंकि ये इलास्टिक है ना और स्क्वीज बॉटल्स जैसे कि हम लोग डेटॉल यूज़ करते हैं टॉयस फ्लेक्सिबल पाइप्स इनमें लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ होता है अब अगला आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है ठीक तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन इसमें जो है ना आपको मतलब ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती इसमें अगर हम पाँच से सात एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देंगे तो भी ये आराम से बन जाएगा ठीक है तो फिर इसमें हीट भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है और लेकिन इसमें कैटलिस्ट का यूज़ होता है जिसमें आप लोग एक नाम याद कर सकते हो जिगलर नाटा कैटलिस्ट ठीक जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंट्स में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है

तो फिर इस वजह से ये बकेट्स बॉटल्स पाइप्स डस्टबिन में यूज होता है और फिर ये बहुत हार्ड होता है ठीक है इट इज़ टफ एंड हार्ड अगला आते हैं क्या पॉली टेट्राफ्लोरोथेन इसका आप नाम याद कर लेना टेफलॉन का केमिकल फॉर्मूला पूछता है कि टेफलॉन का केमिकल फार्मूला क्या है तो पॉली टेट्राफ्लोरोथेन ठीक है तो टेफलॉन कैसे बनता है टेट्राफ्लोरोन को हीट करते हैं किससे किसी फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में या फिर कोई सरफेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और फिर बहुत हाई प्रेशर में तो फिर ये जो है बनता है इसका फॉर्मेशन होता है और फिर ये जो होता है ये क्रोजन नहीं होता है इसमें इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स मतलब ये कभी क्रोड होगा ही नहीं और फिर इसका यूज़ कहाँ होता है गैसकेट्स uh, में नॉन स्टिक सरफेस भी टेफलॉन का ही बनता है है ना जैसे आप लोग देखे होगी क्योंकि हम लोग का फ्राइंग पैन होता है तो फ्राइंग पैन में भी जो हमारा बेस होता है ठीक है जो ये बेस होता है ये हमारा टेफलॉन का बना होता है जो भी नॉन स्टिकी सब जो भी नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन होता है उसमें ठीक है क्योंकि ये इसमें कोरोजिव कोरोजिव रिएजेंट्स का कोई भी इस पर असर नहीं होता यह जल्दी क्रोड नहीं करता ठीक तो जैसे देखिए इसका यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है कि सी एफ टू सी एफ़ टू मतलब टेटरा चार फ्लोरो है तो टेट्रा हुआ है ना ठीक है और फिर इथेन था क्योंकि इथिन था इन है यहाँ पे तो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा है ना डबल बॉन्ड था तो इथीन लग गया अब फिर देखिए इसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया हीट बहुत हाई प्रेशर दिया तब फिर बन गया हमारा टेफलॉन अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड से बन गया क्या सिंगल बॉन्ड दैट इज नोन एज टेफलॉन सी एफ टू तो, सी टू एन टाइम्स जुड़ा तो फिर बन गया क्या सिंगल बॉन्ड टेट्राफ्लोरोथेन ओके अब आते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप पढ़ लो ये भी आपको एडिशन प्रोमेराइजेशन से पढ़ा जाता बनता है सॉरी और फिर इसको प्रेस किसके कौन से कैटलिस्ट के कैटलिस्ट इसका ये होता है कि पेरोक्साइड पेरोक्साइड समझ रहे हो एच टू ओ टू ठीक है या फिर कोई भी समझ सकते जिसका कि बीच का बॉन्डिंग डबल बॉन्ड रहता है और फिर वो आसानी से टूट जाता है डेट इज नोन एज पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एकरोनाइट्राइल ठीक है तो इसका क्या होता है इसका फॉर्मूला आप याद करना चाहो तो कर सकते हो एन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन आप लोग देखोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमेशा अनसेन होता है और फिर जा करके वहां पर अगले वाले में सेचुरेटेड बॉन्ड बना लेता है ओके देखिए बन गया हमारा पॉली सिंगल बॉन्ड ऊपर में जुड़ गया क्या साइनाइड ठीक पॉलीएक्रोनिट्राइल इज अ यूज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स इसमें आपको फाइबर्स बनने में काम आता है जैसे कि क्या ओरलॉन और एक्रिलन ठीक है मतलब एक तरह का वूलन मटेरियल है ओके okay? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जांपल एनसीईआरटी का कि CHCHCHCHCH5 n इज अ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर तो होमोपोलीमर में क्या होता है कि उसके मोनिमर्स बिल्कुल सेम होते हैं और कोपोलीमर्स में क्या होता है उसके मोनोमर्स मतलब दो अलग अलग तीन अलग अलग डिफरेंट मोनोमर से मिल कर के बनता है तो फिर आप इसको देखो इसका मोनोमर क्या है ये है उसका मोनोमर है ना मतलब सेम चीज़ के रिपीटिंग से बन रहा है ठीक देखिए सेम चीज़ के रिपीटिंग से बन रहा है तो फिर ये क्या हुआ होमोपॉलीमर हुआ या फिर कोपोलीमर हुआ ऑब्वियसली ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसका मोनोमर क्या है स्टाइरीन इसको कहते हैं हम स्टाइरीन ठीक है C6H5 CHCH2 C इसका मोनोमर रहता है तो फिर ये बनाया इस मॉलिक्यूल को चलिए अब आगे आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और स्ट्रेप ग्रोथ पॉलीमर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स याद करने के लिए आप कह सकते हो कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में एक दो मोल्यूमर्स या फिर किसी भी मोनोमर्स का रिएक्शन होता है तो फिर तीसरा कोई कंपाउंड बन जाता है ठीक है मतलब कोई बाई फंक्शनल कम्पाउंड लास्ट में बच जाता है तो वो होता है क्या कंडेंसेशन पॉलीमर्स इसमें आप देख सकते हो कि देखो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है एक रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें दो बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट्स को मिलाया जाता है तो फिर इसमें कुछ लॉस होता है सिंपल मोलिक्यूल्स का जैसे क्या कुछ लास्ट में मोलिकुल्स बच जाते हैं किसके वाटर के बच सकते हैं एल्कोहल के बच सकते हैं हाइड्रोजन के बच सकते हैं क्लोराइड के बच सकते हैं ठीक है मतलब लास्ट में कुछ भी मॉलिक्यूल्स छूट सकता है ठीक और फिर इससे जो है बहुत हाई मॉलिकुलर मास के पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में और इस रिएक्शन में हर स्टेप एक फंक्शनल स्पीशीज़ है ठीक है, है? चलिए आइए अब एग्जाम्पल से ही देखते हैं इसमें क्या क्या बनता है देखो टेरिलीन डैक्रॉन इथाइलिन गयोल के इंटरेक्शन से बनता है और टेरिपथेलिक एसिड के इंटरेक्शन से बनता है ये वाला एग्जाम्पल ठीक है ये एग्जाम्पल है इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का यहाँ पर आप देखो इथाइलिन को जोड़ा गया टेपथैलिक एसिड से तो फिर बना क्या टेरिलीन या डैक्रॉन आपको उतना इसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है आपको बस नाम याद कर लेना है कि टेरिलीन या डैक्रॉन का मोनोमर्स क्या है तो उसके मोनोमर्स है इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रिप्थैलिक एसिड ओके okay? क्लियर चलिए अब देखिए मोड कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं मतलब कौन कौन से मोनोमर्स सॉरी पॉलीमर्स उनसे बने हैं तो पहला है हम उनको पढ़ना पॉली अमाइड्स क्या होता है जिसमें NH2 का लिंकेज हो ठीक है तो आसान है जिस भी मोनोमर में आप देख लो एन का लिंकेज है दैट इज नोन एज पॉली ठीक देखो यहाँ पर

हेक्सा डायमाइन और एडिपिक फिर इसी से आप कह सकते हो कि आपके जो शीट्स बनते हैं या फिर ब्रश के जो ब्रिशल्स बनते हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा इलास्टिक भी होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका अब आइए देखिए नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स सिक्स एक पढ़ा था हमने अब है हमारा नाइलॉन सिक्स तो ये कैसे बनता है इसका मोनोमर्स क्या है तो कैप्रोलैक्टम और वाटर ठीक है बस नाइलॉन सिक्स का मोनोमर्स कैसे का मोनोमर्स क्या है कैप्रोलैक्टम क्या और वाटर को एक साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो फिर बनता है हमारा नाइलॉन सिक्स तो फिर नाइलॉन सिक्स बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है उसमें तो फिर इसमें टायर बनाए जाते हैं उसके फाइब्रिक्स बनाए जाते हैं उसके और रोप्स बनाए जाते हैं उसके ठीक है कैप्रोलैक्टम है है ना कैप्रोलैक्टम को हम वाटर के प्रेजेंस में हीट कराएं ठीक हीट कराएं तो फिर बना क्या हमारा नाइलॉन सिक्स आपसे पूछा जा सकता है कि नाइलॉन सिक्स का मोनोमर्स क्या है तो कैप्रोलैक्टम ठीक उसको वाटर के प्रेजेंस में हीट कराते हैं अब आइए हमारा पॉलीस्टर तो पॉलिस्टर से क्या होता है ईस्टर जिसमें लास्ट में क्या लगा हो ईस्टर ठीक है देखिए इसमें क्या क्या होता है दीज आर पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्साइलिक एसिड्स एंड डाईओल्स है ना डाईओल्स ईस्टर को कहते हैं टेडैक्रोन और टेरिलीन इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर है ना मतलब इसमें एग्जांपल दिया है क्या पॉलिस्टर का एग्जाम्पल से डेकरोन और टेली टेरिलीन और फिर इसको ये बनता कैसे एक इथाइलिन ग्लाइकॉल के मिक्सचर को हीट करते हैं ठीक और फिर टेरिपथैलिक एसिड के मिक्सचर को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जिंक एसिडेड एंटीमनी कैटलिस्ट के हिसाब मतलब प्रेजेंस में तब फिर जा करके डैक्रोन फाइबर का प्रेजेंस फॉर्मेशन होता है ठीक और फिर डैक्रोन फाइबर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है किस में कि कॉटन और वूल के फाइबर के साथ आसानी से उसका ब्लेंडिंग कराया जाता है या फिर ग्लास में उसका यूज़ होता है या फिर कुछ हेलमेट्स में यूज़ होता है इनका पॉलीस्टर का डैक्रॉन अगला आते हैं हम फेनॉल फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर तो फेनॉल क्या होता है फेनॉल फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर में क्या होगा आपको एक ऊपर में फेनॉल आइटम जोड़ फेनॉल का मॉलिक्यूल दिखेगा जैसे आप देखो दिस इज वॉट फेनॉल ठीक और ये क्या है हमारा ये है हमारा क्या फॉर्मल डिहाइड ठीक है ये होगा सी एच ओ होता है ना सी एच टू तो फिर ये बन गया क्या फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर एक सेकेंड। फिनोल फॉर्मल डिहाइड बहुत पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है इसको ऑब्टेन किया जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन से किसके फिनोल विथ फॉर्मल डिहाइड मतलब फिनोल को फॉर्मल डिहाइड से रिएक्शन कराएं प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और अ बेस कैटलिस्ट ठीक जिसमें इनिशियल फॉर्मेशन होता है ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑर्थो हुआ ये पैरा हुआ ये ठीक पारा मतलब देखिएगा वन एटी डिग्री का फॉर्मेशन होता है ऑर्थो में क्या होता है बस जस्ट बगल में लगता है ठीक दिस इज पारा और दिस इज और विच फर्दर रियक्ट विथ फेनॉल टू फॉर्म कम्पाउंड थ्रू सी एच टू ग्रुप द इनिशियल प्रोडक्ट कुछ भी नियर लीनियर प्रोडक्ट देखो आप ये हुआ हमारा फेनॉल मॉलिक्यूल फेनॉल का है ना ये हुआ हमारा फॉर्मल डिहाइड सी एच टू ओ तो फिर इनको हम या तो एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तब तो जा कर के कहीं बनता है हमारा क्या या तो ऑर्थो बनेगा एक और दूसरा क्या बनेगा एक हमारा पारा पारा में आप देखोगे वन एटी डिग्री का होता है लिंकेज है ना और फिर लास्ट में एक और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल दिया जो कि द इनिशियल प्रोडक्ट कुछ भी है लिनियर प्रोडक्ट नोवोलैक यूज इन नेवो लैक इसका इनिशियल प्रोडक्ट बनता है और फिर लास्ट में एक और मॉलिक्यूल्स का देता है वो ठीक मतलब इन दोनों के इसी को कहते तो है कंड पॉलीमर की कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा दे दे ठीक है तो फिर इसका यूज कहाँ होता है नोवो लैक, नोवो लैक नेरो लैक नेरो नेरोलैक करके एक ब्रांड था है ना उसमें पेंट्स में यूज होता है इसका फॉर्मलिटी का फॉर्मल डिहाइड का अगर आपसे मोनोमर पूछा सॉरी फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर का आपसे मोनोमर पूछा जाएगा बेकेलाइट इसको कहते हैं बेकेलाइट भी कह सकते हैं इसको ठीक और फिर तो फिर उसमें क्या होता है कि फॉर्मल डिहाइड और फेनॉल का रिएक्शन होता है रिएक्शन होने के बाद एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में उसको रिएक्ट कराते हैं तो फिर एक और देता है एक पारा देता है ठीक क्लियर और फिर एक नोवो देता है तो फिर अगर आप देखो तो इस नोवोलेक को हम अगर एसिडिक मी सॉरी बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराते हैं तो फिर नोवोलेक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल डिहाइड अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग टू तो फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट और अगर उसी नोवोलेक को हम हीट करते हैं दोबारा से फॉर्मल डिहाइड के साथ तो फिर उसमें जो है ना बहुत हाई डेंसिटी की लिंकिंग हो जाती है तो फिर उससे एक सॉलिड मास का मतलब बिना कभी टूटने वाला ही नहीं एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एक नया पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जिस पॉलीमर का नाम है बेकलाइट जिसके हम लोग फ्यू स्विचेज में यूज़ करते हैं जिसको कि हम लोग कुकर के हैंडल में यूटेंसिल्स में यूज होता है बेकलाइट क्योंकि वो बिल्कुल उसको एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कह सकते कि मतलब एक बार जिसको हम लोग जिस शेप में ढाल दिए और दोबारा हम उसको हीट भी करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है कि हम लोग उसको कुछ तोड़ ही नहीं सकते द बेकेलाइट है उसको हम लोग तोड़ कर कुछ नया सब्सटेंस बना ही नहीं सकते उसमें क्रॉस लिंकिंग होता है लीनियर चेंस का बनाता है क्या पॉलीमर नोवोलैक और फिर बेकोलाइट किसके लिए यूज होता है कंगिया बनाने में मतलब इलेक्ट्रिकल स्विचेज में हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स ठीक है बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है यहाँ पर दिया है बेकेलाइट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओके आइए मेला माइन तो मेलामाइन भी एक तरह का पॉलीमर है जो कि फॉर्मल डी का पॉलीमर है आप लोग सुने होंगे कि वैसे बर्तन जो कभी टूटते नहीं है मतलब जितना भी पटक पटक के दिखा दो कुछ नहीं होना है उसको तो वो आता है कि इसमें मेलामाइन में मेला आप लोग के डिनर सेट में यही यूज होता है ठीक तो मेलामाइन भी एक फॉर्मल डी का पॉलीमर है जो बनता है किससे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से किसका किसका मेलामाइन और फॉर्मल्टी हाइट का ठीक है तो मतलब Melamine को ऐड किया हम फॉर्मल के साथ तब जाकर ये बनाया एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस जिसका नाम है क्या मेलामाइन इससे हम लोग का बनता है बिल्कुल अनब्रेकेबल क्रॉकरी इससे बनता है मेलामाइन से ठीक है तो फॉर्मल डी क्या होता है एच सी एच ओ यहाँ पर देखिए

यूज होता है उसमें ठीक वन टू फॉर्म ऑफ कोपोलीमर कोपोलीमर सिर्फ चेन ग्रोथ से नहीं बन सकता है स्टेप ग्रोथ से भी बन सकता है मतलब कंडेंसेशन चेन ग्रोथ कहते हैं कि एडिशन स्टेप ग्रोथ कहते हैं कंडेंसेशन से भी बन सकता है ठीक इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स के एक ही पॉलीमेरिक चेन में एग्जाम्पल देखिए वन थ्री ब्यूटाडाइन एक मोनोमर स्टाइरिन दूसरा मोनोमर बनाया क्या एक पॉलीमर ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन कोपोलीमर ठीक तो ये बन गया क्या हमारा कोपॉलीमर ठीक आगे देखिए कोपॉलीमर में बहुत प्रॉपर्टी है जो कि होम पॉलीमर से डिफरेंट होता है ऑब्वियसली होना एग्जाम्पल क्या कोपॉलीमर बहुत टफ है और एक गुड सब्सटीट्यूट है नेचुरल रबर का मतलब रबर के साथ मिलाने के लिए ठीक इसको यूज किया जाता है मैनुफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स फ्लोर टाइल्स फुटवेयर कंपोनेंट्स केबल इंसुलेशन एक्सेट्रा ठीक को पॉलीमर बहुत ज़्यादा टफ बोला जा रहा है ठीक अब आइए रबर रबर के कितने टाइप्स होते हैं एक होता है हमारा नेचुरल रबर जिसको कहते हैं हम लैटेक्स अब देखिए रबर के बारे में पढ़ते हैं कि रबर एक नेचुरल पॉलीमर है जैसे बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसको एक इलास्टोमेरिक पॉलीमर कहा जाता है ठीक इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स में क्या होता है पॉलीमर्स के चेन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ तो इनकी जो वीक बाइंडिंग फोर्स है इन्हीं को अगर हम एक देखो को पॉलीमर से लिंक कराया जाता है ना देखो सब्सिटीट्यूट तब जाकर के वो कहीं जा करके मजबूत होता है नहीं तो रबर इतना कमजोर होता है ना कि आप एक बार मिटाओगे पूरा रबर खत्म हो जाएगा आपका इस वजह से उसमें सब्सटीट्यूशन कराया जाता है किसी दूसरे मोनोमर्स का तो उसे कहता है ठीक इसमें क्या बोला जाता है कि बहुत कम क्रॉस लिंक्स होते हैं चेन्स के बीच में जिसमें कि पॉलीमर्स को कहता है क्या कि वो अपने दोबारा से पुराने शेप में आ जाए ठीक क्रॉस लिंक्स होते हैं उनमें रबर की बहुत सारी यूजेज हैं ठीक रबर एक डिस्पर्सन ठीक है दिस इंडिया में हम लोग लैटेक्स कहाँ से पाते हैं रबर से ही तो पाते हैं फाउंड इन इंडिया श्रीलंका बहुत जगह पाया जाता है रबर ठीक है नेचुरल रबर जो नेचुरल नेचर से पाया जाता है नेचुरल रबर में भी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन ठीक तो फिर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है तो फिर इसको कैसे बनता है वो एक लीनियर पॉलीमर मतलब सीधा, सीधा 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 फिर बीच बीच में कहीं पर क्रॉस लिंकिंग होता है ठीक है एक सीधा सीधा रहता है फिर बीच में ठीक इसका मोनोमर क्या है आइसोप्रीन ठीक है आइसोप्रीन का ये फॉर्मूला है और फिर इसको कहा भी इसको कह भी सकते हैं सिस वन फोर पॉली आइसोप्रीन तो यहाँ पर देखिए ये हुआ सिस और एक होता है ट्रांस व पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं अब देखिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर तो रबर कैसे बनाते हैं हम लोग ठीक है तो नेचुरल रबर सॉफ्ट हो जाता है है ना बहुत हाई टेम्परेचर पे और फिर लो टेम्परेचर पर बहुत हार्ड हो जाता है और उसमें वाटर अब्जॉर्बशन कैपेसिटी भी होती है रबर में ठीक है और जो कि इन सॉलिबल होता है पोलर सॉल्वेंट में और रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिजिस्टेंट होता है मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के

क्रॉस लिंकिंग एजेंट ताकि वो बिल्कुल अपने जगह पर वापस आ जाए ठीक है द पॉलिम प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ वर्कनाइजेशन रबर क्रॉस लिंकिंग होगा तब तो आएगा जैसे देखो क्या होता है रबर है ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट चेन स्ट्रेट स्ट्रेट चेन ठीक है फिर बीच में आपको एक क्या मिल जाएगा क्रॉस लिंकिंग ताकि अगर रबर को हम खींचें तो फिर दोबारा से वो अपने शेप में आ जाए दैट इज नोन एज क्रॉस लिंकिंग

क्लोरोप्रीन का मतलब साथ में क्लोरीन लग जाता है ठीक है क्लोरोप्रीन अगला है हमारा नियोप्रीन का फॉर्मेशन हो गया क्लोर नियोप्रीन का अगर पूछा जाए पॉलीमर कौन सॉरी मोनोमर कौन है तो आप बोलोगे क्लोरोप्रीन ठीक आते हैं अब बुना एन पे तो बुना एन क्या होता है <laughs> बुना एस था एक नेचुरल पॉलीमर है ना देखो बूना एन इज ऑप्टेंट बाई द कोपोलीमराइजेशन ऑफ वन थ्री और अक्राइलो नाइट्राइन मतलब समझ लो दो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बना है ये हुआ बूना एन ठीक उसका मोनोमर क्या है ब्यूटा डाइन और अक्राइलो नाइट्राइन ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है पेट्रोल से मतलब आपको फ्यूल टैंक्स में इसका यूज होगा ठीक है लिफ्रिकेटिंग ऑयल से भी रेजिस्टेंट मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑयल से ऑर्गेनिक सॉलवेंट से भी फर्क नहीं पड़ता हाइड्रोकार्बन ठीक इसको यूज किया जाता है किसमें ऑयल सील बनाने में टैंक बनाने में ठीक आइए मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स तो पॉलीमर्स प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू दियर मॉलिकुलर मासेस साइज एंड स्ट्रक्चर मतलब पॉलीमर की प्रॉपर्टीज मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसके मोलिकुलर मास पे उसके साइज़ पे उसके स्ट्रक्चर पे मतलब कैसा लिंकिंग है उसका कितना बड़ा पॉलीमर है वो उसका कैसा स्ट्रक्चर है उसका ठीक है कि उसमें का जो पॉलीमर का चेन पे डिपेंड करता है उसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सिंथेसिस पे डिपेंड करता है किस तरह से हो रहा है तो फिर एक पॉलीमर का सैंपल में चेन्स होता है बहुत तरह तरह के लेंथ्स का उसका मॉलिकुलर मास हमेशा एक एवरेज के टाइप पे रिप्रेजेंट किया जाता है अब आइए देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का आप एग्जाम्पल दो सबको पता है प्लास्टिक पॉलीथीन है ना बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो कि रेजिस्टेंट है एन्वायरमेंट के मतलब इन्वायमेंट में डिग्रेड हो जाएंगे या तो फिर उनका वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज किया जा सकता है या फिर बहुत सारे पॉलीमर्स हैं उनको नहीं किया जाता जैसे पॉलीथीन तो फिर वो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में अभी हम लोग पढ़ना है बस बायोडिग्रेडेबल का तो कौन कौन से पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल है ठीक <coughs> अगर उनका हम लोग डिग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अगर लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करते रहे तो इन व्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड मतलब आजकल नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आ गया है ठीक उनमें क्या होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट इन बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर्स ठीक इसमें देखिए कौन-कौन से है बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलिएस्टर्स आज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आज पूछा जाएगा कि कौन से पॉलीमर्स बहुत अच्छे एग्जांपल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के तो वो है एलिफैटिक पॉलिएस्टर पहला उनमें आता है क्या पॉलीबीट्रा हाइड्रोक्साइब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवेलट उतना आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है बस आप याद कर लेना कि एलिफेटिक पॉलिस्टर एग्जाम्पल है दूसरा क्या है हमारा नाइलॉन टू और नाइलॉन सिक्स ठीक पॉलीमर्स ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब पॉलीमर्स का हम लोग कॉमर्शियल कैसे यूज कर सकते हैं क्या क्या यूज के यूजेस हैं तो आपको पता ही है बूना एस बूना एन हम लोग यूज़ करते हैं कि इसमें सोल्स में जूते के सोल्स में और क्या मतलब टायर्स में नाइलॉन्स सिक्स का यूज़ होता है नायलोन सिक्स का यूज़ होता है ब्रश के ब्रिशल्स में नायलोन्स डबल सिक्स का यूज़ होता है ठीक है बहुत सारे के एग्जाम्पल्स जो कि कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ आते हैं देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पॉलीप्रोपीन का यूज़ कहाँ होता है पॉलीप्रोपीन जिसका मोनोमर है क्या प्रोपीन ठीक उसका स्ट्रक्चर ये है है ना तो फिर उसको क्या क्या यूज करते हैं रोप्स बनाने में टॉयज बनाने में पाइप बनाने में फाइबर्स बनाने में ठीक दूसरा है हमारा पॉलीस्टाइरीन ठीक पॉलीस्टाइरीन उसका मोनोमर होना ही चाहिए स्टाइरीन ठीक पॉलीविनाइल क्लोराइड उसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड ठीक है इसमें स्टाइरीन का यूज होता है किसमें इंसुलेटर में तक वायरिंग वायरिंग का बाहर का कवरिंग या फिर टॉयज रेडियो ठीक है पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको किस में बनाने के लिए यूज होता है रेनकोट्स में यूज़ होता है हैंड बैग्स में यूज़ होता है फ्लोरिंग में यूज होता है वाटर पाइप्स में यूज होता है ठीक अगला है हमारा यूरिया फॉर्मल जो कि है रेसिन तो इसमें दो मोलिक पॉलीमर्स सॉरी दो मोलिक मोनोमर्स का यूज़ होता है इसको कहते हैं क्या कोपोलीमरजेशन ठीक है इसका यूज़ होता है कि इसमें अनब्रेकेबल कप्स बनाने में लैमिनेटेड शीट्स बनाने में ठीक है एक और क्या पॉलीमर ग्लिप्टल है ठीक उसका मोनोमर क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल और तिरफेलिक एसिड तो फिर ये भी क्या हुआ हमारा कोपोलीमर इसका यूज किस में होता है पेंट्स में लैकवर्स में ठीक है बैकेलाइट के फॉर्मल डिहाइड और फेनॉल का मिक्सचर है, है ना तो फिर इसका यूज किस में होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स और या फिर कंप्यूटर के डेस्क भी बनते हैं सो चैप्टर खत्म हो गया दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर अगर आपको मज़ा आया या फिर किसी भी टाइप का दिक्कत है तो फिर आप लोगों मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग में सो केयरफुली